नेशनल फ्लैग अगर कहीं पर भी गिरा है उसको उठा के रखें। वायरल होने के बाद किसी का अप्रिशिएशन किसी लीडर की वायरल, हाँ एक एमपी का आया था गुलबर्गा के जो है उमेश जाधव, अकेले जो 35 फीट लंबाई का जो पोस्टर मैं उठा सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और देश के प्रति अपने प्रधानमंत्री प्रति जो संस्कार मुझे सिखाना था इस वीडियो के माध्यम से। पीछे से पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है, फंडिंग के लिए नहीं, ऐसी ऐसी करने के लिए बहुत लोग आएंगे, चाहे हिंदुस्तान का फ्लैग झंडा हो या प्राइम मिनिस्टर का, उसको उठा के रखे। 400 पार सीट का जिक्र हुआ तो आपने 400 वहीं से पोस्टर लगाने का ये फैसला लिया हर शहरों में, 400 पोस्टर के बाद 400 पार। वीडियो देखा फेसबुक ट्विटर या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी नजर में जरूर आया होगा, मोदी जी का बैनर गिरा हुआ था। इस दौरान एक शख्स आते हैं और उस पोस्टर को उठाने के लिए काफी जद्दोजहद करते हैं, उसे उठाकर सीधा करते हैं, पीएम मोदी के लिए एक अलग तरह की रिस्पेक्ट और ऑनर पेश करते हैं। वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ और रातों रात जबरदस्त वायरल हो गया, 10 लाख के करीब व्यूज भी आ चुके हैं इस पर और तमाम नेताओं ने इसे रीट्वीट भी किया है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना उस शख्स को आप सबसे मुखातिब करवाया जाए। आप हैं डॉक्टर प्रभु, पेशे से डेंटिस्ट और फिटनेस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका इंडिया डेली पर। नमस्कार जी, बताएं सर मोदी के पोस्टर बॉय के नाम से आप मशहूर हो रहे हैं आजकल, क्या विजन है आपका, कैसे वायरल हुए? देखिए ऐसा था कि उस दिन संडे था और मैं, मेरा लॉन्ग रन था तो मैंने काफी महीने मैंने फिटनेस नहीं किया था तो मैंने सोचा चलो 14 किलोमीटर रन किए तो मैंने लेकिन उसके पहले एक दिन मैं उसी रास्ते से मेरी बेटी को लेके आ रहे थे जी। तो चौराहे पे बड़ा सा मोदी जी का पोस्टर लगा था, बहुत बड़ा सुंदर सा, ठीक है, उसी दिन रात में। तो मेरी बेटी ने देख के बोला कि पापा देखो कितना बढ़िया मोदी जी का पोस्टर लगा है चौराहे पे, बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो उस दिन अगले दिन सुबह 5 बजे मैंने जब जॉगिंग करके मैंने 14 किलोमीटर रन करके आया तो देखे तो पोस्टर गिर गया था जी। तो मुझे ये लगा कि कल ही तो मेरी बेटी बोली थी कितना बढ़िया पोस्टर है, कितना सुंदर है, अब गिर गया था। तो मैंने क्या किया, चलो देखते हैं फिर उसको किसी को पकड़ के उठा लेते हैं, रख देते हैं। लेकिन मैंने उस भी कि देखिए मेरे दिल में ये है कि अगर देश का झंडा हो, फ्लैग, नेशनल फ्लैग अगर नीचे गिरे, ये मैंने बचपन से मेरे पिताजी से सीखा है कि नेशनल फ्लैग अगर कहीं पर भी गिरा है उसको उठा के रख लीजिए, उसको नीचे गिरने मत दीजिए। मैं उसी प्रकार मेरे देश के प्रधानमंत्री भी अगर उनका कहीं पर भी अगर पोस्टर हो या कुछ भी चीज गिरा हो मैं उसको उठा के रखता हूँ, ठीक है। तो उस दिन क्या हो गया, तो मैंने ये चीज मेरे पिताजी ने मुझे बोला था तो ये चीज मुझे मेरे बच्चों को दिखाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपना मोबाइल रख के मैंने उसको उठाने की कोशिश की ताकि मुझे मेरे बच्चों को दिखाना था कि देखो बेटा कि यू शुड रेस्पेक्ट योर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो मैंने मोबाइल रखा, रिकॉर्डिंग मोड पर रखा, लेकिन देखे तो वो पोस्टर इतना बड़ा था, लगभग 30 फीट करीब, और बहुत ही भारी था। फिर मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत, आपने देखा होगा वीडियो में, मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ उसको सेट करने के लिए, पत्थर रख रहा हूँ, और मैंने कई लोगों को चौराहे पे बुलाया भी था, मतलब भाई हेल्प करो, लेकिन किसी ने आया नहीं। लेकिन ऐसा तो करके मैंने उसको खड़ा किया और उसको सेट कर दिया। अब ये चीज मैंने आके मेरी बेटी को दिखाया, मैंने कहा देखो बेटा कभी भी आप ये मत समझना कि आप अकेले हो, अगर आपके पास अगर मन में है आपके प्रधानमंत्री प्रति आपको उनको इज्जत देना है और उनको मतलब कुछ करना है तो आप अकेले भी कर सकते हो। तो मैंने मेरी बेटी को दिखाया, उसने उसके फ्रेंड्स को फॉरवर्ड किया वीडियो, वो वायरल हो गया जी। और मोदी जी के लिए इतना ज्यादा लगाव कब से है, क्या खास लगा आपको? मैं आपको बताता हूँ मोदी जी का एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैं गया था 2017 में, मैं गया था रशिया गया था मैंने
और मैंने रशिया में मैं मैंगोस लेके गए थे, मैंगोस मुझे कस्टम्स में पकड़ा उन्होंने कि जी आप इतने सारे मैंगो क्यों लेके जाते हो। तो मैंने कहा कि मुझे किसी को गिफ्ट करनी है। तो उन्होंने पूछा कहाँ से, इंडिया से, उनको पता था। तो बोले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी। मैंने कहा हाँ मोदी जी। ओ वेरी गुड मोदी, योगा मोदी, वेरी गुड। आप यकीन नहीं करते हैं, जो कस्टम ऑफिसर ने वो मैंगो के लिए मुझे 15 मिनट सताया, उसने मोदी जी का नाम और योगा का नाम लेने के बाद उस बंदे ने खुद की आम की पेटी मेरे टैक्सी में जाके रखवाया। तो जब विदेश में लोग मोदी जी की इतनी इज्जत करते हैं, हम तो भारतीय हैं, हम तो भारत में रहते हैं, तो सोचिए मोदी जी का पोस्टर गिरा और हम अगर नहीं उठाए तो गलत नहीं, बात नहीं ठीक है। बात, ठीक बात कही आपने। वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अगर उनका जी बैनर कहीं गिरा हुआ है तो हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए कि उसका अपमान ना हो, उसे उठाना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल तेजस्वी सूर्य और स्मृति ईरानी ने, जैसा कि आपने बताया, तमाम अलग अलग लीडर्स इसे रिट्वीट कर रहे हैं। इन लीडर्स से आपकी जी कोई बात हुई, उन्होंने आपसे कोई कांटेक्ट करने की ना, कोशिश की? नहीं, मेरा कोई लीडर से मेरी बात नहीं हुई, ना ही कोई मिनिस्टर या एमपी, किसी ने भी मुझे कांटेक्ट तक नहीं किए हैं। मैंने अपना काम करना था, मैंने अपना काम किया है। ये वायरल होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, वायरल होने के बाद किसी का अप्रिसिएशन, किसी लीडर की कॉल आती वायरल नहीं, वायरल होने के बाद किसी के अप्रिसिएशन तो नहीं आया मुझे। हाँ एक एमपी का आया था, गुलबर्गा के जो है उमेश जाधव, उमेश जाधव, उनका मुझे कॉल आया था। उन्होंने बोला कि थैंक यू सो मच, हम चाहते हैं कि आपके जैसे युवा में आप एक एग्जाम्पल बन के रहें, आप यू हैव डन ए रियली वेरी गुड वर्क एंड आई रियली अप्रिशिएट। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर। अच्छा कुछ आपके रिएक्शंस मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो उस दौरान कई लोगों ने आप पर इस तरह के भी आरोप लगाए कि आपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए खुद ये वीडियो रिकॉर्ड किया और डाला, तो पॉलिटिकल फंडिंग की भी बातें हैं, अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, इसको लेकर आप कुछ स्पष्ट करें। नहीं, देखिए पब्लिसिटी, देश के प्रति मुझे प्यार है, मेरा प्रधानमंत्री मुझे प्यार है, इसमें पॉलिटिकल स्टंट क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मैं इस चीज के लिए मैं कोई स्टंट वंट नहीं। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया मेरे बच्चों को सिखाने के लिए कि देखो आप अपने प्रधानमंत्री के प्रति आपको कितना प्यार होना चाहिए। अकेले जब 35 फीट लंबाई का जो पोस्टर मैं उठा सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। इफ यू वांट टू गिव एन एग्जांपल, बी एन एग्जांपल। तो उसी एग्जांपल पोस्टर आपने अकेले, ये बड़ी अकेले बात है, और इसके लिए काफी फिट होना भी जरूरी है। नहीं देखिए, फिट होना जरूरी है, वो तो जरूरी बेसिक बात है, लेकिन आपके अंदर मन में वो होना चाहिए जी। उनके लिए सम्मान की अलग, सम्मान होना चाहिए, वो ठाननी चाहिए कि हाँ यार गिर गया, मुझे कैसे तो करके उसको उठाना। बिल्कुल, तो ये मन में अगर आ गया ना, तो आप उसके अंदर शक्ति, अंदर का जो इंसान का जो स्ट्रेंथ पावर बढ़ जाता है जी। तो अभी क्या और एक एग्जांपल मैं बता जी, देखिए और एक एग्जांपल छोटा सा मैं बताता हूँ। मेरा 2022 मेरे बेटा और उनके टीम ने यूनेस्को अवार्ड जीता है। They have defeated 67 countries, 686 universities around the world. हिंदुस्तान का पहला अवार्ड था जो यूनेस्को में पेरिस में उसका अवार्ड सेरेमनी हुआ। तो मेरा बेटा उसी साल यूएस जाने वाला था जी। तो मैंने बेटे को भी मैंने ये वीडियो बताया। मैंने कहा देखो बेटा, आप अभी, वो मेरा बेटा अमेरिका में अंडर ग्रेजुएशन पढ़ रहा है। मैंने कहा जब तुम विदेश जाओगे ना, तब यही सम्मान रखना अपने प्रधानमंत्री प्रति और हिंदुस्तान के लिए, यही सम्मान रखना जो मैंने किया है। इस वीडियो को तुम देख लो। एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड। आज भी वो हिंदुस्तान के लिए, प्रतीक और मोदी के लिए बहुत बड़ा सम्मान रखता है। देखिए संस्कार जो होता है ना, जो संस्कार मैंने बच्चों को सब कुछ सिखाया है, और देश के प्रति, अपने प्रधानमंत्री प्रति जो संस्कार मुझे सिखाना था इस वीडियो के माध्यम से, वो मैंने सिखाया है। इसमें कोई पब्लिसिटी स्टंट अगर लोग कहते हैं तो गलत बात है जी। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका?
नहीं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ। तमाम बड़े बड़े लीडर्स की आपको लगातार तारीफ मिल रही है, तो इस तरह की बातें भी लगातार हो रही है। नहीं, कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, कोई मेरा कोई पॉलिटिकल लीडर मेरा कोई साथ नहीं है, मैं तो एक मामूली सा एक डेंटिस्ट हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं लोगों के प्रति मैं अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ, जैसे कोरोना के टाइम में मैंने काफी सारा अवेयरनेस क्रिएट किया था, उसमें एक वीडियो मेरा काफी वायरल हुआ था कोरोना के टाइम पे जी। तो मैं ऐसे अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ, वही कहता हूँ। मैं दो चीज बोलना चाहूंगा जो मेरे स्वर्गीय पिताजी बोला करते थे। पहला चीज, ऐसा कोई काम मत करना जो अपना खाना दूसरों के लिए जहर हो जी, पहला। और दूसरा, एवरीथिंग मेल्ट्स इन द वर्ल्ड, मेल्टिंग टेम्परेचर डिफर्स, ताकि उस 35 फीट का जो पोस्टर मुझे उठाना था जी, मुझे उसका पोस्टर का जो ताकत है मुझे मैं जान चुका था, तो मैंने उठा पाया। अगर मैं पहले ही हार मान जाऊं कि मैं नहीं उठा पाऊंगा, तब तो आप मतलब नहीं कर पाओगे। ठीक है, अपने फ्यूचर कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बताएं। आप से बात हो रही थी तो आप 400 पोस्टर्स का जिक्र कर रहे थे 400 शहरों में, इसको लेकर मैं अभी तो मोदी के प्रति मुझे प्यार है ना, मेरा कोई पॉलिटिकल एल्टीकट कुछ नहीं, मोदी के प्रति मेरा बहुत प्यार है और उस आदमी को मैं सम्मान करता हूँ, मैं मतलब प्यार करता हूँ। मैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं इतने बड़े पोस्टर, मैं 400 शहर में मैं 400 पोस्टर लगाने का अगर मौका मिले तो मैं कर दूंगा। फंडिंग कहां से हो पाएगी इसकी? फंडिंग हम खुद ही कर लेंगे, देखिए पोस्टर चाहे छोटा हो। इतने बड़े विजन के लिए क्या कोई पीछे से पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है? क्योंकि 400 शहरों में 400 पोस्टर लगाना, तो इस तरह की बातें भी होंगी कि कहीं ना कहीं देखिए देश की ओर से, मेरे जैसा एक डेंटिस्ट, एक देशभक्त आदमी आज अगर तैयार हो जाए तो लोग सामने बहुत आएंगे फंडिंग के लिए। नहीं, ऐसी करने के लिए बहुत लोग आएंगे, हम बनाएंगे पोस्टर, आप आओ, हम मिलके उसको उठाएंगे, रखेंगे पोस्टर। देखिए करने का इच्छा होना चाहिए जी, कहीं ना कहीं कोई इनिशिएट तो करना चाहिए। मेरे दिल में है कि अभी तो वैसे भी मैंने देख रहा था कि टीवी में काफी, अब की बार 400 पार जी, मैंने कहा तो 400 पार सीट का जिक्र हुआ तो आपने 400 वहीं से पोस्टर लगाने का ये फैसला लिया हर शहरों में अलग अलग, 400 पोस्टर के बाद 400 पार जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रभु, इंडिया डेली के साथ बात करने के लिए। हमारी आशा, प्रार्थना और कामना यही कि आपके जो भी फ्यूचर के इनिशिएटिव हो वो समाज हित में हो। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार। मैं एक और शब्द बोलना चाहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट जी। मैं हर युवा हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के जो यंग जनरेशन है, मैं उनको यही बोलना चाहूंगा, चाहे विदेश में हो, देश में हो, कहीं भी हो, नेशन फर्स्ट, अपने देश के प्रति बहुत प्यार होना चाहिए और अपने प्रधानमंत्री प्रति, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो। और जैसा मोदी, मेरे पर्सनल विचार, मैं मोदी को बहुत लाइक करता हूँ, लव करता हूँ, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हर यंगस्टर्स अपने देश के प्रति और प्रधानमंत्री प्रति, कहीं पर भी पोस्टर गिरे, चाहे हिंदुस्तान का फ्लैग झंडा हो या प्राइम मिनिस्टर का, उसको उठा के रखे, सम्मान करे उसकी, ताकि आपके नेक्स्ट जनरेशन को एक एग्जाम्पल बने जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रभु बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। Thank you.